भीलवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए खोए और चोरी हुए 124 मोबाइल बरामद किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि इनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इस मामले में साइबर फ्रॉड का प्रकरण दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दस जुलाई 2024 से पुलिस मुख्यालय द्वारा पूरे प्रदेश में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया था, जिसके तहत भीलवाड़ा जिला पुलिस द्वारा 124 मोबाइल फोन रिकवर किए गए हैं, जो पिछले 2 वर्षों में मिसिंग थे, लोगों के खो गए थे और जिनकी मिसिंग रिपोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज थी। इनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। आज इन फोन्स को इनके मालिकों को इस कार्यक्रम को आयोजित कर सुपुर्द किया गया है। साथ ही ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत इस जिले में 2 प्रकरण भी पंजीबद्ध किए गए हैं साइबर फ्रॉड्स के संबंध में, जिन्होंने इस मोबाइल का उपयोग करके और साइबर फ्रॉड किए थे, उनकी अरेस्ट की गई है। 5 व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। 58 ऐसे व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं जो इस जिले में निवासरत थे परंतु किसी अन्य राज्य में वांछित थे। उनको थाने पर लाकर पूछताछ कर वहाँ के संबंधित थानों को सुपुर्द किया गया है अग्रिम कार्रवाई के लिए। इस प्रकार इस जिले में ही पूरे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई की गई थी और अभी ये जो मिसिंग मोबाइल फोन्स हैं, इस बारे में लगातार हमारी कार्रवाई और साइबर फ्रॉड्स के अगेंस्ट भी इस लगातार हमारी कार्रवाई जारी रही।